तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित। तो यहाँ पर ये प्लेयर पतंग को चेक करते हुए चेक हो रही है पतंग। ये प्लेयर हैं और ओपोनेंट वहां से हैं। पर ये प्लेयर छोड़ते हुए ओरिजिनल यासिन छुटका का मान जाए तो ये देखो आप, इस पे लिख रहा होगा, लेवल पे लिखा है यासिन और छुटका। तो चॉकलेटी कलर की डोर है, देखो आप छोड़ते हुए प्लेयर। ये इस मंजे छोड़ते हुए, इन प्लेयर की जरूर मैं वीडियो दिखाऊंगा कि इस मंजे से छोड़ रहे हैं तो ये पेच कैसे काटते हैं, क्योंकि मंजा ये काफ़ी अच्छा है, अच्छे कारीगर का है, नामी मंजा बांध लिया इन्होंने। अब ये सद्दी में बांधेंगे, इनका पेच जरूर दिखाऊंगा मैं आपको। और ये प्लेयर भी यासीन छुटके के मांझे छोड़ते हुए, बचपन का सपना था भाई मेरा यासीन छुटके का, है आज पूरा हो रहा है। बड़े मुश्किल से 1700 रुपये जोड़े थे। तुमने तो चरखी लिए कितने रुपए की लिए है चरखी? ये 1700 की यासीन छुटका। तो इनके बचपन का सपना है बता रहे हैं। और एक वो भाई है, उनका तो पैदा होते ही सपना था छुटते हुए यासीन छुटके के मांझे से। देखो आप माजी नहीं, इनका पेज दिखाऊंगा जो जो यासीन छुटके से देख रहे हैं, तो डायरेक्ट आप पेज देखना फिर जो जो यासीन छुटके के मांझे छोड़ रहे हैं। और इन प्लेयर का पेज लड़ते हुए, ये वही प्लेयर है जिन्होंने यासीन छुटके के मांझे छोड़ी थी, ऊपर से पेच लिया इन प्लेयर ने। सही हो चुका है पेच, तो इनको ऊपर से पेच है यासीन छुटके के मांझे से। देखिए देखिए, तो पेच हट चुका है। तो दूसरा पतंग गलत था, राउंड था पूरा, इसलिए कट गया। तो यहाँ पर ये इस टीम का गेम लड़ रहा है, तो यहाँ पर इनसे पूछेंगे हम इनकी कहाँ की टीम है और इनका कैसे गेम लड़ रहा है, किस तरह से। तो ये भाई ये बताएंगे, भाई आपकी कहाँ की टीम है? भाई हमारी अपना बिहार की टीम है और हमारा दिल्ली 6 से गेम लड़ रहा है। और आप क्या कहते हैं, ग्राउंड में लड़ाते हो या छतों पे भी लड़ाते हो? भाई हम हर जगह शौक करते हैं, बाहर भी जाते हैं, प्रदेश भी जाते हैं और ग्राउंड छतों पे। ये आपने चक्री ले रखी है मंजे की, किस कारीगर की? ये हमारे सरताज जी की कार हैगी। ये ठंड में लड़ाने की है? नहीं नहीं, ये 12 मास हर मौसम में डोर लड़ती है ये। और आपका ये जो क्लब है ये किस नाम से क्लब है? ये द रॉयल कार्ड क्लब है। द रॉयल कार्ड रजिस्टर है? जी रजिस्टर। तो भाई ये बताओ, जो छतों में और ग्राउंड में रूल क्या होते हैं कि हाँ भाई छतों में पेच ऐसे लड़ता है और ग्राउंड में ऐसे लड़ता है, तो बताओ। छतों का तो ऐसा होता है कि छत पे से एक ही जगह मिलती है, अगर छोटी छत होती है ग्राउंड होता है बड़ा, आगे पीछे करने का मौका मिल जाता है। छतों पे से स्थिर जगह होती है, एक ही जगह करके पेच लड़ाना पड़ता है। तो और हवा का कुछ वो भी होता है? हवा का भी थोड़ा बहुत हो जाता है, छतों पे से ग्राउंड में होते हैं तो बड़ा ग्राउंड होता है, आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा घूम फिराव हो जाता है, हवा चेंज हो गई तो थोड़ा घूम जाते हैं, लेकिन छत पे से कोई मैटर नहीं तो फिर कैंसिल ही हो जाता है ग्राउंड। तो इन्होंने अभी एक पेच काटा है इन प्लेयर ने, वो यासीन छुटका जो मांझा बांधा था इन प्लेयर ने काट दिया। उन प्लेयर का इसलिए कट गया था क्योंकि राउंड पतंग थी ओपोनेंट की, तो और कुछ देखना। और अब यहाँ से ये प्लेयर छोड़ते हुए पतंग को, इनकी पतंग जा रही है, धुंध काफ़ी आज, अच्छा लड़ रहा है पेच और हवा की स्पीड भी सही है, संडे का दिन है। यहाँ से छोड़ते हुए प्लेयर और यहाँ पर टेप लगाते हो पतंग में, सही से कर लो और टेप इसलिए लगाते ताकि तेज हवा में पतंग फट ना जाए खींचते वक्त, जॉइंट ना खुले। हाँ, इसके जो जॉइंट होते हैं इसलिए लगाई जाती है टेप। माना माना लपेट लाना भाई, ले आओ चरखी ले आओ, रोक लो भाई, बहुत जानदार काटा है पेस्ट तो। इस पर लग चुकी है टेप और अब ये चेक होगी का, इसका थोड़ा ठड्डा मोड़ा जा रहा है क्योंकि पतंग सीधी एकदम धस जा रही थी, अब ये लहर के उड़ेगी। और ये चेक होती हुई,
देखना कैसे चेक होगी। और पतंग को अब चेक करते हुए सीधी खिंच रही है पतंग। काफी अच्छी है। और यहाँ पर ये जो अभी चेक हो रही थी पतंग, ये देखो किस कारीगर की पतंग है। ये रेंडो ये किसी कारीगर है। और यहाँ पे इस मंजे से चेक करते हुए ओ छोड़ते हुए डायरेक्ट ठीक है ठीक। चेक करते हुए मंजा देखो काफी अच्छा मान जाए, ब्लैक कलर का मान जाए। ये शबाब मियां है, ये बता रहे शबाब मियां का मान जाए। देखिए आप ये वर्धमान पे लगी हुई डोर है, देखो आप चली गई। और उधर उन प्लेयर का पेस लड़ते हुए बहुत अच्छा पेच काटा इन्होंने। ये जो प्लेयर देख रहे हैं आप, बाहर निकाल के तो यहाँ पर इन प्लेयर का पेच लड़ते हुए जिसका मैंने अभी आपको दिखाया था, इन्होंने अभी ऊपर से पेच काटा था बहुत अच्छा। इनका दूसरा पेच लड़ते हुए इस बार इन्होंने नीचे का पेच ले रहे हैं। तो काफ़ी कोहरा है तो पतंगे दिख नहीं पा रही है, तो पतंगों को छोटी करा जा रहा है क्योंकि दिख नहीं रही है पतंगे कोहरे में। पता नहीं चल रहा किसके पतंग कहाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा धुंध है आप समझ सकते हो। तो पेच एक दूसरे के अंदर ऊपर भीतर कर लिया गया, अभी सही लेंगे। सही हो चुका है पेच। और इनका लड़ते हुए पोजिशन अच्छे दोनों प्लेयरों की, सही हो चुका है। देखो आप, और वहां से पतंग चेक होते हुए इन्होंने नीचे का बहुत ही पेच काटा है, तिरछा खींच के काटा है इन्होंने नीचे से। प्लेयर से पूछेंगे, इन्होंने अभी दो पेच काट दिए, एक ऊपर से काटा था पिछला और अभी नीचे से काटा है, तो इन्होंने किस हिसाब से काटा है ये बताएंगे। भाई मैंने हल्का सा चढ़ के रखवाया पेज और आसमान में चढ़ा के पतंग दिखाई थी, जब उन भाइयों ने दूसरी पतंग ने पट करके दिखाया मुझे को गद्दा बाहर का मुंह दिखाया था, मैंने हल्का सा झटका देके पतंग का मुड्डा बदलते हुए अंदर कर दिया। इसी से इन्होंने पतंग काटी है दो पतंग। तो नेक्स्ट पेज देखना आप। तो यहाँ पर इन प्लेयर का तीसरा पेज लड़ते हुए एक पेज तो इन्होंने सही बोला, अभी तक उन्होंने सही नहीं लिया है। अब मैं कह रहा हूँ छोड़ के रख दो। तो ये पतंग चेक होते हुए तो यहाँ पर इनका पेस लड़ रहा था तो किसी वजह से कट गई। तो ये अब दूसरे प्लेयर आए हैं, इनका पेस लड़ रहा है, इनका भी नीचे से ही है और दूसरे वाले प्लेयर चलेगा पीछे। पेस इन्होंने सही बोल दिया, दोनों तरफ से सही हो चुका है, नीचे से है प्लेयर। और पोजीशन देखिए आप, बहुत ही प्यारा पेच काटा इन्होंने, तिरछा खींचा नीचे से, तिरछा ही खींच दिया, बहुत ही अच्छा पेच काटा इन्होंने हवा का ज़्यादा फायदा उठा के। तो इन भाई का दूसरा पेच लड़ते हुए एक पेच इन्होंने अभी नीचे से काटा, दोबारा इन्होंने नीचे का पेच लिया है अंदर बाहर को होते हुए एक दूसरे का पेच इन्होंने सही ले लिया है। तो इस बार कट गया। वैसे ये वीडियो यहीं एंड करते हैं और ये चरखी लपेट रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और पिछली वीडियो देख लेना सारी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।